नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, एक सुखद खबर हमारे लिए निकल करके आई है कि भारत का जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो बाय वैल्यू अगर हम देखें, वैल्यू पैसे के टर्म में देखें, तो उसमें ग्रोथ 250% की हुई है एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। समझ रहे हैं? ये इस समय जो है भारत इस समय 70 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है। अब तो और बढ़ गया होगा क्या? और जो इंपोर्ट हो रहा है, ये तो एक्सपोर्ट की बात है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और जो इंपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है कुल मिलाकर के 84.7 अरब डॉलर का। अर्थात कुछ पार्ट उसका इंडिया अपने लिए भी उपयोग करता है। जो क्रूड ऑयल मंगाया जाता है उसका कुछ पार्ट इंडिया अपने लिए भी यूज करता है और बचे हुए को निर्यात कर देता है। सबसे टॉप जो कंट्रीज हैं हमारे उपभोक्ता, जिनको मैं हम लोग निर्यात करते हैं या भेजते हैं पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड के बाद में दूसरे नंबर पर है सिंगापुर, फिर यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इस तरह से। यूएई भी हमसे पेट्रोलियम लेता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मंगाने के लिए अर्थात जो इंपोर्ट हो रहा है पेट्रोलियम्स का, पेट्रोलियम का कच्चे क्रूड ऑयल का, ध्यान रखना पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट नहीं हो रहा है, पेट्रोलियम का। उसमें सबसे टॉप पर कंट्री है रसिया, जिससे हमने सबसे ज़्यादा तेल खरीदा। दूसरे नंबर पर इराक, जिससे हमने सबसे ज़्यादा खरीदा दूसरे नंबर, फिर सऊदी, फिर यूएसए से भी हमने खरीदा। तो इस तरह से अब ये जो कंट्रीज हैं यूरोप में, इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ है। यूरोप के लिए हमारी जो वृद्धि हुई है वो सबसे ज़्यादा है, और इसका कारण है यूक्रेन रसिया वार। ये सारे कंट्री पहले रूस से तेल लेते थे, लेकिन यूक्रेन रसिया वार के बाद में रूस पर लगा दिया प्रतिबंध, और परिणाम ये हुआ जब तेल नहीं मिला तो इंडिया से लेने लगे। इंडिया ने क्या किया, वहीं रूस का तेल लेकर के प्रोसेस करके उसको बेच दिया यूरोपियन को, और इसे काफ़ी अच्छी कमाई किया है इंडिया ने, क्योंकि तेल तो सस्ते में लिया है और बेचा अच्छे खासे प्रॉफिट में। अगर मात्रात्मक रूप में देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट में जो इंडिया की जो वृद्धि रही है 2018-19 से देखते हुए 2023-24 के बीच में, अगर मात्रात्मक रूप में देखा जाए तो यह वृद्धि रही है कितने की, 253,788% की ग्रोथ रही है। ये परसेंटेज में इतना परसेंट, समझिए। और इसका असर, इन सारे चीज़ों का असर, विदेशी निवेश का, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, मतलब कि मार्केट में खपत का, इन सारे चीज़ों का असर अल्टीमेटली हमारे विदेशी मुद्रा पर भी पड़ा हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा हुआ। और इस समय ये रिपोर्ट कल की है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद में चौथा लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। टॉप थ्री हैं, सबसे पहले चीन है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, फिर जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, और उसके बाद में क्या है, भारत। सारे लगभग सारे यूरोपियन कंट्रीज को पछाड़ दिया इंडिया ने विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में।
अब यहाँ पर एक बात समझने की बात है कि एक राज था कब, 91 का दौर था, जब हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए सोना को गिरवी रखना पड़ा था। और इधर 2014 के बाद से लगातार ये ग्रोथ होती रही है और अब तो जो है इसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इस समय अपने रिकॉर्ड हाइट पर है, $700 बिलियन। अच्छा यही नहीं, अगर देखा जाए तो भारत जो है बहुत सारा अपना जो गिरवी रखा हुआ सोना है उसको भी ले आया है और ख़रीदा भी है सोना। बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा सोना बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, उसको हम ले आए हैं, ठीक है, जो कि वार लाइक सिचुएशन अगर बनती है तो हमारे लिए फिर इसकी कमी, पैसे कमी नहीं रहे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है और इसमें कितनी मेहनत की गई है। उसके बाद में तो खैर उदारीकरण का दौर शुरू हो गया नरसिम्हा राव के समय में, उसके बाद में फिर जो है तब तक मनमोहन सिंह का समय आया उसमें, और मोदी ने रेड टेपिज्म को भी हटा दिया है, अर्थात अधिकारियों का जब विशेष दखलंदाजी होता था उसको भी ख़त्म कर दिया है धीरे धीरे। और इस वजह से जो है टोटल, चाहे वो एक्सपोर्ट के मामले में देखा जाए, चाहे वो देखा जाए क्या नाम है इसमें विदेशी निवेश के मामले में, इन सब की वजह से इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इसका मतलब इंडिया के पास इसमें विदेशी मुद्रा कमी नहीं। अच्छा, न केवल सिर्फ डॉलर इंडिया रख रहा है बल्कि कैनेडियन डॉलर और उसके बाद में जर्मन, रशियन, फ्रांस का फ्रेंच फ्रेंक फ्रेंक, तो इस तरह से और कई कंट्रीज का भी जो मुद्रा है उसको भारत अपने यहाँ स्टोर कर ले रहा है, जो कि बुरे परिस्थिति में उसके लिए काम करेगा। इन दो बेहतरीन खबरों के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये खबर दोनों आपको पसंद आई होंगी और अगर ऐसा है तो आप ऐसी और खबर देखने के लिए, समाचार देखने के लिए ऐसी और समाचारों को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।